हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विभाजन के तहत पूर्वी बघेलखंड का पठार, इस पर बात करेंगे। कल हमने दंडकारण्य का पठार, जो छत्तीसगढ़ के सुदूर दक्षिणी हिस्से में स्थित है, इस पर बात की थी। तो एक दो स्टेटमेंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था पिछले वीडियो में। ये जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, अबुझमाड़ की पहाड़ी जो है, जिसका अधिकांश हिस्सा नारायणपुर जिले में है, कुछ हिस्सा कांकेर में है, कुछ हिस्सा बीजापुर में है, कुछ हिस्सा दंतेवाड़ा में है, इतने जिलों में इसकी अवस्थिति है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है वो नारायणपुर जिले में है। तो यहाँ पर एक कुरसेल घाटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कुरसेल घाटी है। हमने पढ़ा है कि अबुझमाड़ क्षेत्र में या नारायणपुर जिले में कुरसेल घाटी स्थित है। ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कल सागौन और साल दोनों पर यहाँ पर बात कर ली थी, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, सागौन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में जो सर्वाधिक उच्च किस्म का सागौन प्राप्त होता है वो म्यांमार का सागौन है। बर्मा का सागौन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। उसी प्रकार भारतवर्ष में ये जो कुरसेल घाटी है, यहाँ का सागौन क्या है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो सागौन है वो उच्च किस्म का सागौन है। और छत्तीसगढ़ में ये जो चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी कवर्धा जिले में, तो चिल्फी घाटी और कुरसेल घाटी का सागौन जो है वो फेमस है। फिर एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि चेरापूंजी में विश्व का सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी में पूरे विश्व का। लेकिन आपको याद रखना है, अब वो स्थान बदल चुका है। कुछ वर्षों से विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में दर्ज की जा रही है, ठीक है, कहाँ पर दर्ज की जा रही है, मासिनराम में दर्ज की जा रही है। ये भी मेघालय में ही स्थित है, ये स्थान भी जो है वो मेघालय में ही स्थित है, चेरापूंजी से कुछ दूर है। तो मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जा रही है। वर्षों पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती थी, इसलिए अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ का मासिनराम, ये कथन भी गलत नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट है, आप इसे अपडेट कर लेंगे। चलिए आज हम आगे चलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। हमने देखा था कि ये जो यहां पर आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये बघेलखंड का पठार है, ठीक है। बघेलखंड का जो पठार है, ये इसकी स्थिति यहां पर है। तो बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों में तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पूर्वी बघेलखंड का पठार, या इसे ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो कहते हैं। तो ये जो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो है, इसका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 21,863 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है, पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रतिशत विस्तार की अगर हम बात करें तो 16.16% भागों पर इसका विस्तार है, ठीक है। हमने चार भौतिक प्रदेश पढ़े, एक महानदी बेसिन मध्य वाला, एक दंडकारण्य का पठार, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और एक जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसमें तीसरे नंबर का जो आपका भौतिक प्रदेश है वो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जिसका प्रतिशत है 16.16%, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका लोकेशन देखें छत्तीसगढ़ में, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है, और उत्तरी भाग के ये कोरिया जिला है, कोरिया जिले में, संपूर्ण कोरिया जिला, संपूर्ण सूरजपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, ठीक है, सरगुजा जिला और बलरामपुर जिला, इन चार जिलों में इसका विस्तार है। कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला और आपका बलरामपुर जिला। तो बलरामपुर जिले का ये जो सामरी कुसमी वाला भाग है और
सरगुजा का सीतापुर मैन पार्ट वाला जो हिस्सा है ये इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब आंशिक तौर पर ये दोनों ज़िले क्या हैं, शामिल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको याद रखना है इन चार जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है, ये सामान्य सी बात। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है यहाँ पे भी सारे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पठार है, ठीक है, छोटा सा मैदान भी है, बेसिन वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इन बातों को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है पूर्वी बघेलखंड के पठार का पहला भौतिक उपविभाग, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। पहला भौतिक उपविभाग पूर्वी बघेलखंड के पठार का चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये नंबर वन। दूसरा आपको याद रखना है ये जो सरगुजा वाला भाग है, ये सरगुजा वाला, इसे हम बोलते हैं सरगुजा बेसिन। कुछ हिस्सा इसका सूरजपुर में भी है, सरगुजा और बलरामपुर के हिस्से में शामिल है सरगुजा बेसिन, ठीक है। तो दूसरा नंबर है सरगुजा बेसिन का। ठीक है, अभी बेसिन क्या होता है इस पर बात करेंगे। यहां पर है कन्हार बेसिन बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में क्या है आपका, कन्हार बेसिन है, सबसे उत्तरी भाग में कन्हार बेसिन। तीसरा आपको याद रखना है कन्हार बेसिन। उसी प्रकार चौथा है आपका रिहंद बेसिन, और पांचवा है हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभाग हैं। आप देखेंगे पहला है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये है आपका सरगुजा बेसिन, ये आपका कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन के आगे यहाँ पर सूरजपुर में और कुछ बलरामपुर में ये है रिहंद बेसिन, ठीक है। और कोरिया के नीचे, कोरिया का जो दक्षिणी वाला भाग है, ठीक है, कुछ कोरबा में भी पड़ता है ये, थोड़ा सा पेंड्रा में भी पड़ता है ये, आपका जो है ये हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है, ये क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन। तो इस पांच भागों में हम इसे विभाजित करेंगे, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी पहला, दूसरा सरगुजा बेसिन, तीसरा कन्हार बेसिन, चौथा रिहंद बेसिन और पांचवा हसदेव रामपुर बेसिन। तो बेसिन या कछार क्या होता है, बेसिन को ही हम कछार बोलते हैं, ठीक है। तो कछार जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो नदी बेसिन है, रिवर बेसिन या नदी कछार है। तो कछार क्या होता है, ये नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित होता है। कछार को आपको याद रखना है, या बेसिन जो है ये नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित होता है, और लगातार अपरदन करते हुए जब कोई नदी वर्षों तक अपरदन करती है तो क्या होता है, जो नदी अपरदन करती है वो वाला हिस्सा, ठीक है, अर्थ सरफेस से नीचे दिखाई पड़ता है, ठीक है, भूमि के अंदर का हिस्सा जो अर्थ सरफेस से नीचे होता है और उसके आसपास का हिस्सा जो है वो ऊपर उठा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं बेसिन। बेसिन का मतलब ये है कि जैसे आप वॉशरूम में हमारे टब होता है, ठीक है, या फिर हम बेसिन का यूज़ करते हैं, वॉश बेसिन का। तो वॉश बेसिन जब आप देखोगे तो वॉश बेसिन का जो चारों तरफ का हिस्सा होता है वो ऊँचा उठा हुआ होता है कटोरे जैसा, और बीच का हिस्सा उस हिस्से से गहरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो ज्योग्राफी में बेसिन क्या है, बेसिन के आसपास का हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है और जो बेसिन होता है वो अर्थ सरफेस से नीचे होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जो टब होता है या कटोरा होता है उसके द्वारा आप समझ सकते हैं, तो ये आपका बेसिन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में, ठीक है। देखो तो ये जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है इसका विस्तार कोरिया जिले से लेकर के बलरामपुर जिले तक है, ठीक है। इसका अधिकांश विस्तार अगर आप देखेंगे तो कोरिया जिला,
सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला, ठीक है, इनमें क्या है इसका विस्तार है। चांगभकार एक रेंज है, एक रेंज है देवगढ़ की पहाड़ी, तो इसे एक साथ संयुक्त रूप से हम बोलते हैं चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी। इसका विस्तार कोरिया के भरतपुर से लेकर के आपका बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील तक है, तीन जिलों में इसका विस्तार है। कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा सरगुजा में भी पड़ता है, बहुत कम हिस्सा है, लेकिन तीन जिलों में मैक्सिमम इसका एक्सटेंशन है चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी का, ठीक है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र का पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है देवगढ़ चोटी। वो क्या है आपका? देवगढ़ चोटी। तो देवगढ़ जो चोटी है ये इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 1033 मीटर, ठीक है। हमने कल देखा था दंडकारण्य का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी 1210 मीटर की हाइट है। उसी प्रकार पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ चोटी, 1033 मीटर हाइट है, ठीक है। ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है इसे कैमूर पर्वत का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, और कैमूर पर्वत जो है वो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। इस प्रकार ये जो पूरा पर्वत है इसे हम क्या बोल सकते हैं? विंध्याचल पर्वत का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। ये कैमूर पर्वत, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार है जो देवगढ़ कैमूर पर्वत है, वो जो पहाड़ है ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, विंध्य श्रेणी का विस्तार है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये जो देवगढ़ चांगभकार की पहाड़ी है वो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, ये अगली बात, ठीक है। इसके विस्तार में छोटे छोटे और पहाड़ पठार हैं, जैसे आपका कोरिया में यहाँ पर है मांझ टोली की पहाड़ी, ठीक है, एक आपको याद रखना है कोरिया में मांझ टोली की पहाड़ी। तो मांझ टोली की पहाड़ी पहला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको कोरिया में ही याद रखना है मैना पहाड़, ठीक है। तीसरा आपका कोरिया और सूरजपुर में ही यहां पर ये जो हिस्सा है ये सोनहट का पठार है, सोनहट का पठार कोरिया में पड़ता है, सोनहट का पठार, ठीक है। फिर आपको सूरजपुर में याद रखना है सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ और पठार हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। देवगढ़ की जो पहाड़ी है या देवगढ़ चोटी जो है चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी, इसका विस्तार हमने देखा लगभग ये 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी है इसका विस्तार जो है ये 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। इसमें आपको एक याद रखना है कोरिया जिले में मांझ टोली की पहाड़ी, मांझ टोली, इसी मांझ टोली से बनास नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। हमने सोन गंगा अपवाह तंत्र पढ़ा, सोन गंगा अपवाह तंत्र में सोन नदी की सहायक नदी है बनास, तो बनास नदी का उद्गम हुआ है मांझ टोली की पहाड़ी से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर एक है मैना पहाड़ कोरिया में ही, सोनहट का पठार जो है ये भी कोरिया जिले में है, यहाँ से गोपद नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है? गोपद नदी का उद्गम हुआ है सोनहट का पठार। और ये है सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक है, क्या है? सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिला, ये भी पीएससी का प्रश्न है। सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र में बहुत सारे स्थल हैं जो राम जी के जीवन से संबंधित हैं, ठीक है। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इस हिस्से में गुजारा। तो कोरिया जिले में एक ऐसा स्थान है जहाँ से राम जी ने प्रवेश किया था, वो इसी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जिसे हम कहते हैं सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। सीतामढ़ी हरचौका ये एक स्थान है, सीतामढ़ी
हर चौका, जहां से क्या किया था श्री राम ने प्रवेश किया था, ये कोरिया जिले में ही स्थित है। तो कोरिया जिले को श्री राम का प्रवेश द्वार माना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में श्री राम का प्रवेश द्वार कहां से हुआ, सीतामढ़ी हर चौका से, वो कोरिया जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ी। जो भी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, आपको हर एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। आप इसे नोट भी करते जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम जाते हैं दूसरे नंबर पर, सरगुजा बेसिन। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है आपका, सरगुजा बेसिन है। बेसिन क्या होता है या कछार क्या होता है मैंने आपको बताया। तो ये जो सरगुजा बेसिन है, अगर आप देखेंगे तो सरगुजा बेसिन का एक हिस्सा, ये जो भाग है आपका, ये कहलाता है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। इस सरगुजा बेसिन में एक है आपका छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, और इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, आपका इधर जाएंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच का जो भाग है वो गहरा है, डीप है, अर्थ सरफेस से अंदर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सरगुजा बेसिन कहते हैं। इन पांचों भौतिक उपविभागों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है सरगुजा बेसिन का। इस पांचों में सर्वाधिक एरिया किसका है, सरगुजा बेसिन का। इसमें दो आपके ऊंचे क्षेत्र हैं, एक आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी, पहला आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी, और दूसरा छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। ये जो छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है, इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो सरगुजा जिला, ठीक है, आपका रायगढ़ जिला और कोरबा जिला। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा, रायगढ़ का जो धर्म जयगढ़ उदयपुर वाला भाग है वहाँ पे इसका विस्तार है। तो छुरी मतरिंगा रायगढ़ में, कोरबा में और सरगुजा में, इन तीन जिलों में इसका विस्तार है। इसी छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से ही रिहंद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसी छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से क्या होता है, रिहंद नदी का उद्गम हुआ है, और यही रिहंद नदी पूरे सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो रिहंद नदी इंपॉर्टेंट है, इस पहाड़ से उसका उद्गम हुआ है। दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी, देखो नाम ही है श्री राम के नाम पर, रामगढ़ की पहाड़ी, इसका मतलब है इस पहाड़ का संबंध श्री राम से रहा है। इस पहाड़ में कुछ गुफाएं हैं, जैसे आपका सीता बेंगरा की गुफा, सब उन्हीं के नाम पे है, श्री राम और उनकी पत्नी के नाम पर। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, बेंगरा का मतलब ही गुफा होता है, तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, सीता कुंड है यहाँ पर। तो ये पर्वत जो है इसमें कुछ गुफाएं हैं, एक गुफा है और फेमस जो है जोगी मारा की गुफा। ठीक है, जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये सब कहाँ पर है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में। तो ये जो आपका गुफाएं हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व है, पुरातात्विक रूप से भी विशेष महत्व है। अगर हम रामगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो अगर राम जी के जीवन से संबंधित देखें तो माना जाता है कि इस पहाड़ में श्री राम ने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया। ठीक है, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो कालिदास जी थे, ठीक है, गुप्तकालीन जो कालिदास कवि थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो वो जब छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में ही विश्राम किया था, और रामगढ़ की पहाड़ी में जो उनकी प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, मेघदूतम की रचना माना जाता है कि इस पहाड़ी पर ही की गई। तो कालिदास ने मेघदूतम की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के जीवन से भी संबंधित है, या अशोक के काल से संबंधित है, इसे माना जा सकता है। तो जो अशोक का काल था, ठीक है, अशोक ने क्या किया, जब कलिंग विजय किया
तो कलिंग विजय के पश्चात जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल हुआ, ठीक है, और अशोक ने आगे प्रशासन हमारे छत्तीसगढ़ में भी किया, तो इस काल के बहुत सारे साक्ष्य हमको रामगढ़ की पहाड़ी से मिलते हैं। मौर्य काल की ये इतिहास का विषय है, इतिहास में चर्चा की जाएगी। अभी सामान्य सी बात आप याद रख लीजिए कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसमें जो जोगी मारा की गुफा है, इस जोगी मारा की गुफा में अशोक के अभिलेख मिले हमको, अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ठीक है, जिसकी भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का खुदा हुआ अभिलेख, जिसको गुहा अभिलेख कहा जाता है, वो जोगी मारा की गुफा से मिला है, ठीक है। इन्हीं गुफाओं में जैसे सीता बेंगरा की जो गुफा है, ठीक है, ये सीता बेंगरा की गुफा भी बहुत प्राचीन गुफा है। इसमें विश्व के सबसे प्राचीनतम थिएटर नाट्यशाला का साक्ष्य मिला है। सीता बेंगरा की गुफा में क्या मिला है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य मिला है, थिएटर का साक्ष्य मिला है, रंगमंच का साक्ष्य मिला है। और इनकी दीवारों में, इन गुफाओं की दीवारों में, ठीक है, उस समय के जो नर्तक थे, ठीक है, एक का नाम था नर्तकी का देवदासी सुतनुका, सुतनुका, ठीक है, सुतनुका और देवदत्त, देवदत्त जो थे वो बहुत बड़े नर्तक थे, ठीक है, मगध साम्राज्य में उनका निवास स्थान था। तो वहाँ से वो इस रंगमंच में क्या करते थे, नृत्य करने आते थे, और उनको सुतनुका नामक एक कन्या से प्रेम हो गया था। तो उन्हीं का प्रेम प्रसंग इस दीवार पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है हमें यहाँ पर। तो ये पहाड़ का आपका क्या है, महत्व है। अगली बात आपको याद रखनी है कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है या फिर आपका छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है, ये किसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वतमाला मैकल श्रेणी का विस्तार है। जैसे हमने देखा ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, या जो कैमूर पर्वत है, वो कैमूर पर्वत विंध्यांचल श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का भाग है, विंध्यांचल पर्वतमाला का एक हिस्सा है। उसी प्रकार ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला का एक हिस्सा है, ये बात विशेष तौर पर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रामगढ़ की पहाड़ी या छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी किसका विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का या सतपुड़ा पर्वतमाला का। तो ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। उसी प्रकार कन्हार बेसिन है, रिहंद बेसिन है, हसदेव रामपुर बेसिन है। तो कन्हार जो बेसिन है ये कन्हार नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसका अधिकांश विस्तार जो है ये बलरामपुर जिले में है, उत्तरी हिस्सा जो दिख रहा है बलरामपुर जिले का, तो वहाँ पर कन्हार बेसिन है। कन्हार नदी के बारे में हमने पढ़ा है कि जो कन्हार नदी है वो आपका जसपुर जिले से निकलती है, ठीक है, जसपुर जिले में हमने देखा था बखोना चोटी है पंडरा पाट में, अपवाह तंत्र का ये विषय है। तो आपको अगर अब देखना है कन्हार बेसिन या कन्हार नदी के बारे में तो आप देख सकते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र, वहाँ पर इसके बारे में सारी जानकारी है। लेकिन आपको अभी इसका लोकेशन याद रखना है कि कन्हार बेसिन का जो विस्तार है, ठीक है, वो पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे उत्तरी हिस्सा है। दूसरी बात आपको याद रखनी, इसका विस्तार जो है वो बलरामपुर जिले में सर्वाधिक है, ठीक है। रिहंद बेसिन जो है ये रिहंद नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो सूरजपुर जिले में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो हसदेव रामपुर बेसिन। तो हसदेव रामपुर बेसिन जो है ये आपका कोरिया का दक्षिणी हिस्सा है। इसका विस्तार कोरिया में, कोरबा में और आपका पेंड्रा जिले में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक हिस्सा इसका कोरिया जिले में आता है। तो ये हसदेव रामपुर बेसिन है। हसदो नदी जो देवगढ़ से निकलती है उस नदी द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न हल करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ बातें और हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ये जो पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका ढाल उत्तर की तरफ है, ठीक है। इसका ढाल कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो नॉर्थ की तरफ सामान्य ढाल है। ये दक्षिण वाला जो हिस्सा, इसका ढाल दक्षिण की तरफ है, ठीक है। लेकिन पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो सामान्य ढाल है वो उत्तर की तरफ है।
इस क्षेत्र की संपूर्ण नदियाँ या अधिकांश नदियाँ जो हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और सोन नदी में जाकर मिल जाती हैं, और सोन नदी का सारा पानी पटना के पास जाकर गंगा नदी में शामिल हो जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है आपको। उसके बाद कुछ हमने आपको पहाड़ का नाम बताया, वो पहाड़ विशेष तौर पर याद रखना है, गुफाओं का नाम याद रखना है। जैसे ये है मांझ टोली की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर है मैना पहाड़, देवगढ़ चोटी चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी या पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ चोटी, 1033 मीटर हाइट है। ठीक है, फिर सूरजपुर जिला में सीता लेखनी की पहाड़ियाँ हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी। इसी पर यहाँ पर आपका जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है सूरजपुर में, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक देवसर की पहाड़ियाँ हैं, देवसर की पहाड़ियाँ, ठीक है। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, इन पहाड़ियों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको याद रखना है सोनहट का पठार, तो सोनहट का पठार जहाँ से क्या हुआ है, गोपद नदी का उद्गम हुआ है, ये भी आपका कोरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आपको इन बातों को याद रखना है। देखिए, हॉचपॉच नहीं करना है आपको, हम केवल यहाँ पर पर्वत पठार और मैदानों का नाम याद रखें, ऊंची चोटी का नाम याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पर अगर अपवाह तंत्र भी पढ़ने लगे, हम यहाँ पर खनिज भी अगर पढ़ने लगे, हम यहाँ पर मिट्टी के बारे में भी पढ़ने लगे तो मिक्सअप हो जाता है, वो आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है, आपको प्रॉपर स्टडी करना है, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग टॉपिक है, और उस टॉपिक में ही उसे पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा और चीज़ें हॉचपॉच नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, एक टॉपिक हम बनाएंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश पर, एक टॉपिक जो आपका ये है आपका महानदी बेसिन, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो हम अलग अलग चीज़ों पर वीडियो बनाते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।